नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड फीमेल पाम है। इनके सारे सवाल कुछ थे नहीं, बस बेसिक से सवाल थे, तो जो कुछ मुझे इनके हाथ में दिख रहा है मैं आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा। चलिए दोस्तों, इनके पाम गन से शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आपके हाथ में देखा जाए तो आपके हाथ में मुझे दिखती है आपकी जीवन रेखा। जीवन रेखा आपकी यहाँ से निकली, यहाँ से पकड़ जा रही है और यहाँ पर ये समाप्त हो गई। यहाँ पर आप कहते हैं बुढ़ापे में एक और जीवन रेखा निकली और छोटी सी एक और फिर से दिखती है। देखिए, जीवन रेखा आपकी ठीक है, सही है, मजबूत है। जीवन आपका बढ़िया अच्छा रहेगा, बड़ा रहेगा, मजबूत रहेगा। यार, जीवन आपका सही रहेगा, रोग मुक्त रहेगा, अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत वगैरह तो उसमें मुझे नहीं दिखती है। तो जीवन रेखा बढ़िया है। बाकी अगर देखेंगे तो जीवन रेखा के साथ साथ जीवन रेखा की सपोर्टिव लाइन भी चलती है। देखिए, जब ये रेखा हाथ में हो इसका मतलब समझ सकते हैं कि ये मंगल रेखा है। फैमिली का फुल सपोर्ट रहेगा, जीवन साथी का, मित्रों का, रिश्तेदारों का, परिवार वालों का और संतान का सपोर्ट जीवन भर रहेगा। उसमें आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आएगी। तो इस तरह के अच्छे खासे योग में आपके हाथ में यहाँ पर देख पा रहे हैं। बाकी अगर आगे चलेंगे तो यहाँ पर देखिए आपकी जीवन रेखा पर एक बंधन योग भी लगा हुआ है, क्योंकि आपकी जो जीवन रेखा की मस्तिष्क है थोड़ी बंधी हुई है, एक दूसरे से बंधी हुई है, तो उसमें आपको दिक्कत आ सकती है। बट ये जो योग होता है इसके आपको उपाय दे दिए जाएंगे, इसकी रेमेडीज दे दी जाएंगी। इसके रेमेडीज डेली करने पर, रेगुलर करने पर आपको दिक्कत नहीं आएगी, फिर आपको फायदा हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं रहेगी। तो ये जो अब देख पा रहे हैं, यहाँ से जो जा रही है आपकी जो जीवन रेखा है वो यहाँ पर 200 में बंधी हुई है। ये एक मेजर समस्या रहेगी आपके जीवन में, इसके अलावा कोई समस्या नहीं दिखती है। बाकी अगर देखेंगे तो यहाँ पर हल्के हल्के से ऑफशूट भी आ रहे हैं। ऑफशूट जब आते हैं तो वंश की वृद्धि होती है, खुशखबरी आती है, अच्छा कार्य होता है और बहुत अच्छे खासे लाभ होते हैं। प्रॉपर्टी आने के भी संकेत ये रेखा दिखाने वाली होती है। तो इस तरह के भी अच्छे खासे योग आपके हाथ में एक समय पर आकर जीवन रेखा पर दिखते हैं। इसके बाद आपका कलर देखें तो आपका कलर भी गुलाबी है, गुलाबी नहीं सफ़ेद है, हल्का सा गुलाबीपन यहाँ पर दिखता है, यहाँ पर भी हल्का सा गुलाबीपन दिख रहा है। देखिए, हाथ का कलर इस प्रकार का होता है, समझ जाना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में जिस भी तरीके से पैसा कमाएंगे वो तरीका इस प्रकार का होगा कि उसमें आपकी शारीरिक मेहनत कम लगेगी, मानसिक मेहनत से ज़्यादा व्यक्ति ऐसे अच्छा खासा पैसा कमाने वाले होते हैं। तो इस तरह के ठीक ठाक योग मैं आपके हाथ में यहाँ पर देख पा रहा हूँ। बाकी अगर देखेंगे तो ये आपके हाथ की अंगूठा है, अंगूठा सही है, मजबूत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अंगूठा बढ़िया है, जैसा हाथ होना चाहिए उस प्रकार का अंगूठा दिखता है आपके हाथ में। शुक्र पर आपके हाथ में यहाँ पर देखिए ये सीधी खड़ी रेखा है, यहाँ पर आड़ी रेखा है दिखती है। ये जब जाल बन जाए तो देखिए ये जाल अच्छा नहीं होता है, शुक्र के क्षेत्र पर जाल बिल्कुल भी अच्छा नहीं पाया जाता है। जब यहाँ पर जाल बनने लगे तो समझ जाना चाहिए कि इस कॉम्बिनेशन की वजह से ये रेखा आपको पारिवारिक समस्याएं देने वाली रह सकती है। आपको किसी भी रूप में कैसे ना कैसे फैमिली प्रॉब्लम्स, फैमिली इश्यूज रह सकते हैं। तो इस तरह के योग आपके हाथ में यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। बाकी यहाँ पर अगर आपके हाथ में देख पा रहा हूँ, सीधी खड़ी रेखा भी दिखती है। ये रेखा आपको इन्वेस्टमेंट वाला नेचर देंगी। आप जब जब जहाँ जहाँ जैसे भी इन्वेस्टमेंट करेंगे आपको अपनी द्वारा की गई इन्वेस्टमेंट से बहुत अच्छे खासे फायदे देखने को मिलेंगे। तो सकते अच्छे इन्वेस्टर होते हैं, अच्छे फाइनेंसर होते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से फायदा मिलता है। ऐसे कि जब भी इन्वेस्टिंग करते हैं और वो हमेशा आपको लॉन्ग टर्म के लिए करनी चाहिए। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है कि कम से कम 5 साल मैक्सिमम जीवन भर। तो आपको जीवन में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करके बड़े बड़े फायदे देखने को मिल ही जाएंगे। तो इस तरह के भी ठीक ठाक होगी रेखा बनाती है। वो आपके ऊपर है आप कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, चाहे स्टॉक मार्केट, गोल्ड बॉन्ड, प्रॉपर्टी, सोना चांदी, जमीन जायदाद, कहीं भी करें, बट इन्वेस्टमेंट आपके लिए जरूरी है और आपको उससे लाभ भी मिलेगा। देखिए, भाग्य रेखा आपके हाथ में ठीक नहीं है। क्यों? भाग्य रेखा आपके हाथ में यहाँ से निकलनी चाहिए थी, लेकिन आपके हाथ में भाग्य रेखा यहाँ से निकली है। एक जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा, बचपन से लेके लगभग 35 वर्ष तक का हिस्सा थोड़ा बहुत ब्लर मेरे को दिखता है। तो जो अच्छा भाग्योदय होगा वो 35 वर्ष के बाद ही दिखता है, क्योंकि वहां से भाग्य रेखा निकली है, बीच में से भाग्य रेखा निकली है। तो एक ये इसका प्लस पॉइंट देखा जाता है। 4 साल के अंदर भाग्योदय होना या फिर अपने दम पर बड़ा पैसा कमा लेना और अपने दम पर अच्छी इनकम कर लेना, इस तरह के योग रेखा आपके हाथ में दिखाने वाली होती है। बाकी अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपके हाथ में वी साइन है। आप अपने जीवन में या तो अपने पैसे से या जीवन साथी के कमाए गए पैसे सेटिस्फाई हो जाएंगे, आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा और अच्छे खासे लाभ ये आपको वी साइन देने वाला होता है। तो उसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी मुझे नहीं दिखती है। तो ओवरऑल ये ठीक है, आपको हैप्पीनेस और करियर के रिगार्डिंग अच्छा लाभ मिलता ही मिलता है बुढ़ापे के अंदर भी आके। यहाँ पर शिक्षा रेखा अच्छे ज्ञान को प्रदर्शित करती है। ऐसे कि पढ़े लिखे ना भी हो
तो भी किसी ना किसी सब्जेक्ट पर डीप ज्ञान होता है, और ऐसे व्यक्ति उस ज्ञान से फायदा उठा के अपने जीवन में बड़ी तरक्की को अर्जित करने वाले होता है। वे समझ सकते हैं कि ये रेखा जब हो, तो अगर ऐसे व्यक्ति टीचर हो जाए तो अपने ज्ञान से बहुत बड़े लोगों की बहुत बहुत सारे लोगों की जिंदगी संवार देते हैं, ये चीज देखी जाती है। सूर्य पर सूर्य रेखा भी है, सूर्य रेखा अच्छे लाभ देती है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो सूर्य रेखा से आपको लाभ जरूर मिलेगा। सूर्य रेखा दिखाती है कि आपके जीवन में सन माउंट के प्रभाव ज्यादा देखने को मिलेंगे। जितना आप अपने पिताजी की सेवा करते हैं, या फिर अगर पिताजी की सेवा करने में सक्षम नहीं है तो घर के बड़े बूढ़ों की सेवा अगर आपके द्वारा होती है। सूर्यदेव को जल दिया जाता है डेली तांबे के किसी बर्तन में। और देखिए सूर्यदेव आत्मा के कारक होते हैं, परमात्मा के कारक होते हैं, तो अगर परमात्मा ध्यान लगता है, और भगवान श्री हरि नारायण के सूर्य अवतार को भगवान राम माना जाता है, तो भगवान राम के नाम का जाप, खाली समय में राम नाम का जाप भाग्य में करवाने वाला रहेगा। जो लाभ मिल रहे हैं, अगर आप चाहते हो अच्छे से मिले, तो ये उपाय जरूर कीजिएगा। घर के बड़े बूढ़ों की सेवा, सूर्यदेव को जल चढ़ाना, राम नाम का खाली समय में जाप करना, ये चीज अच्छी रहती है। धनुष आकार रेखा समझदार व्यक्तित्व को दिखाती है। बुध पर कोई ऐसे योग नहीं कि बड़ा व्यापारी आप बन पाए, तो ये ठीक है। चलो बाकी ये मस्तिष्क ठीक है, सही जा रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं दिखती है। देखिए मस्तिष्क आपकी दिखाती है कि आपके अंदर बुद्धि ठीक है, अच्छी है, मजबूत है, आपके से चालाकी करना मुश्किल है, आपका लॉजिक सेंस अच्छा है, बड़े प्रैक्टिकल व्यक्ति हैं और हर चीज को प्रैक्टिकलिटी के साथ देखते हैं। जिस चीज में लॉजिक नहीं मिलता उस चीज को नहीं मानते, कभी किसी पर आग बंद कर भरोसा नहीं करते, और धर्म को अपने अनुसार मानते हैं। जिस धर्म में मन लग जाए हमेशा उस धर्म को ही व्यक्ति बुढ़ापे तक फॉलो करता है, तो ये योग भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बाकी ये फेलेंजेस खुले हुए हैं और हाथ में मनी ट्रायंगल भी नहीं है। देखिए आप कहते हैं पैसा तो नहीं बचेगा, मतलब मेरा कहने का सेंस ये है कि आप पैसा खर्च ज्यादा कर दे, खर्चीला स्वभाव आपका बहुत ज्यादा है। जितना पैसा आते सोचते पहले खर्च कर ले, बाद में देखा जाएगा, तो खर्चीला नेचर यहाँ से भी दिखता है। सूर्य की उंगली बड़ी है, ईगो प्रॉब्लम नहीं होती, ईगो शक्ति नहीं होते यहाँ पर। बारह राशि देखे तो मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, यहाँ पर सीधी खड़ी रेखाएं हैं, तो ग्रह जब गोचर करेंगे उनसे आपको लाभ देखने को मिलेगा। अपने माँ बाप के संस्कार को आगे लेकर जाने वाले व्यक्ति हैं, और आपको इनसे अच्छे लाभ भी मिलेंगे। आप समझ सकते हैं, कह सकते हैं जिस माहौल में आपको ढालना चाहे उस माहौल में आपको ढालने में सक्षम होते हैं। हृदय रेखा ठीक है, हृदय रेखा भी बढ़िया है, हृदय रेखा में मुझे दिक्कत नहीं दिखती है, बहुत सीधी है, तो बहुत प्रैक्टिकल व्यक्ति होते हैं ऐसे व्यक्ति। हर चीज का टाइम टेबल होता है कि किस समय क्या करना है, कब क्या करना है, हर चीज को टाइम टेबल के अनुसार करना पसंद करते हैं। ओवरऑल ठीक दिखती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन आपके हाथ में ये देखिए गुरु की ओर गई है, काफी सारे हाथों में यहाँ तक ऐसे चली जाती है, लेकिन आपके हाथ में हृदय रेखा सीधी है और बृहस्पति की ओर गई है। बृहस्पति की ओर जाने वाली हृदय रेखा दिखाती है कि ऐसे व्यक्ति को डेली और हमेशा नया कुछ ना कुछ सीखने की आदत होती है। अगर कुछ सीखने को ना मिले तो व्यक्ति थोड़ा परेशान रहता है, समझ जाइए। अगर ऐसे व्यक्ति बुढ़ापे के अंदर भी छोटे छोटे बच्चों से कुछ ना कुछ सीख लेते हैं, तो सीखना कभी बंद मत कीजिएगा। डेली अगर आपको कोई ऐसा मौका मिले तो कोशिश कीजिएगा डेली आप कुछ नया सीखें, किसी ना किसी चीज़ से, किसी भी चीज़ से, बट सीखना जरूर। डेली सीखते रहने की आदत आपको परफेक्ट बनाएगी और बड़ी सफलता को अर्जित करने में आपको साथ देने वाली रहेगी। तो सीखने की आदत हमेशा बनी रहेगी, बुढ़ापे व्यक्ति बहुत कुछ सीखने वाला होता है, हमेशा अपने नॉलेज को अपग्रेड करता रहता है। यहाँ पर शायद ये क्रॉस बन गया है, क्रॉस अगर है तो सक्सेसफुल मेरी लाइफ के पूरे पूरे इंडिकेशन ये रेखा देने वाली होती है। बाकी ये आपके मंगल, भारी मंगल, और ये आपके चंद्रदेव, ये भी ठीक दिखते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी। ओवरऑल मणिबंध मैंने बता ही दिया, शायद दो रेखाएं, ब्रह्म मुहूर्त भगवान का नाम जप कीजिए, उससे आपको लाभ जरूर देखने को मिलने वाला रहेगा। और आपके हाथ में अगर देखा जाए तो यहाँ से एक रेखा ऊपर की ओर आ रही है, तो बहुत लंबे आयु के बाद बहुत बुढ़ापे के अंदर प्रॉपर्टी आने के संकेत, अच्छा समय आने के संकेत, बहुत बुढ़ापे में लगभग 80 वर्ष के आसपास, यानी भी बहुत आगे अभी ये रेखा बदलती रहती है। तो अभी योग बन रहे हैं, बट देखिए ट्रायंगल बहुत अच्छा, बहुत मजबूत साइन है, बट ये अगर आगे चल के कंटिन्यू रहेगा 80 वर्ष की उम्र तक, ये थोड़ा डाउट है। अच्छे कर्म रहे, लोगों की सेवा की आपने, बड़े बूढ़ों की, हमेशा सच बोला, झूठ का साथ कम दिया, धर्म का साथ कम दिया, और अनावश्यक झूठ ना बोला, बेईमानी नहीं की, धोखाधड़ी नहीं की, विश्वासघात नहीं किया, सदैव सत का साथ, सदैव अपने लोगों के साथ अच्छी बनाए रखी, तो इस साइन और मजबूत होता चला जाएगा और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फायदा आपको देने वाला रहेगा। बाकी आपके हाथ में एक चीज ये है कि आपकी भाग्य रेखा कमजोर है, क्योंकि इसको देखिए एक सख्त एक बहुत ही सफल हाथ में भाग्य रेखा यहाँ से निकलती है, इस प्रकार जाती है, लेकिन आपके हाथ में भाग्य रेखा यहाँ से निकली है, तो समझ जाइए कि भाग्य रेखा कमजोर है। जीवन रेखा ठीक है, हल्की हल्की से राहु रेखा आ रही है, तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, छोटी छोटी बीमारियां रेखा देने वाली देंगी, इसके आपको उपाय दे दिए जाएंगे। बाकी आप हाँ बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, तो जीवन ठीक रहेगा, बढ़िया रहेगा, दिक्कत वाली बात मुझे नहीं दिखती है। रेखा समय समय पर बदलती रहती है, रेखाओं के अंदर हर 3 से 4 साल के अंदर बदलाव आते रहते हैं, तो अभी के लिए हर ठीक है, बढ़िया है, मजबूत है। अगर अच्छे कर्म रहे, सज्जन पुरुष के जीवन जिया,
सबका साथ दिया तो रेखा ऐसी रहेंगी और अच्छे लाभ देने वाली रहेंगी। तो मैंने आपके पाम कंसेस पूरा कर दिया। आपके पाम की रट यही थी कि दो उपाय आपको देने हैं, भाग्य रेखा के और राहु रेखाओं के, और कोई दिक्कत मुझे दिखती ही नहीं है। और आप सब बढ़िया है, नीट एंड क्लीन है, सब कुछ है, फैमिली है, अच्छी फैमिली, अच्छा पैसा, अच्छा स्वास्थ्य, ठीक ठाक दिखता है। वीडियो देखना, कोई डाउट कोई क्वेरी रह जाए पूछ लीजिएगा, हम आपके सारे डाउट सारी क्वेरी सॉल्व कर देंगे। हम आपको एड देन सेटिस्फाई करके भेजेंगे। अपना रिव्यू जरूर छोड़ दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, आप हमारे एनालिसिस से सेटिस्फाई नहीं है या नहीं है, जो भी सब बता दीजिएगा। अपने डाउट, अपने क्वेरी, अपना रिव्यू, हमें उपाय लिखना ना भूलिएगा। उपाय जो आपको देंगे वो आपको डेली डेली हमेशा के लिए करने देंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने हमसे उपाय सुने फिर बाद में छोड़ दिए और फिर आपको फायदा नहीं मिला। तो उपाय 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, जितना साल लगे उपाय जरूर करते रहिएगा। उपाय करते रहेंगे, आपको लाभ मिलता रहेगा, दिक्कत वाली बात फिर नहीं आएगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सहूलियत मिली होंगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।